हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज आप CMVP एक नया रिव्यू देखने वाले हैं न्यू हॉलैंड 3600 का। अब ये हेरिटेज एडिशन है और ये ना बहुत सारे ऐसे फीचर रिच चीज़ों के साथ में आता है, जिसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी को तो ज़्यादा सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ आपको रियलाइज़ होगा कि ये अपने कॉम्पिटिशन में ज़्यादा सर्व कर रहा है, ज़्यादा हैवी ड्यूटी जो है वो ऑफर कर रहा है। कैसे, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जस्ट इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल, कंसिडर दिस चैनल सब्सक्राइब ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, फर्स्ट कम फर्स्ट, सबसे पहले अगर आप फ्रंट प्रोफाइल से देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा ये बहुत ही हैवी सा बम्पर यहाँ पे एड ऑन किया गया है। ये जनरली ट्रैक्टर्स में नहीं आता है, और अगर आप न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर्स को प्रेफर कर रहे हैं तो आपको ये एक्स्ट्रा एड ऑन मिलेगा। ये 90 किलो का है और ये एक्स्ट्रा सपोर्ट केवल आपके सेफ्टी के लिए नहीं है, बट एक एक्स्ट्रा वेट देने के लिए भी है, ताकि जब भी पीछे ट्रॉलीज या हैवी ड्यूटी वर्क किया जाए तो ट्रैक्टर अपनी क्षमता से ज़्यादा जान लगा सके और यहाँ पर अपनी पोजीशन को लूज ना करें। आपने अक्सर देखे होंगे जो ट्रॉलीज, हैवी ट्रॉलीज होती हैं, उनको लगाने के बाद में ट्रैक्टर्स अपलिफ्ट हो जाते हैं, वो यहाँ पर इस चीज़ से भी रिड्यूस होगा। प्लस आपके पास में ये हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल सपोर्ट भी आपको नजर आ रहा होगा। ये जो है वो फोर्ज किया हुआ मटेरियल है और ये पूरा मटेरियल आगे तक जा रहा है और ये सपोर्ट कर रहा है फ्रंट के एक्सल को। ये 175 केजीज की यूनिट है और ये यूनिट एक्स्ट्रा इसीलिए एड ऑन की गई है ताकि ये क्यूमुलेटिवली 265 केजीज बनाए और ज़्यादा वेट जो है वो फ्रंट में प्रोवाइड करे, जैसे कि मैंने आपको बताया था अपलिफ्टिंग कम हो सके। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको अगेन डुअल टोन ट्रीटमेंट देखने को नजर आएगी। यहाँ पे न्यू हॉलैंड की बैचिंग और एग्रीकल्चरल बैच नजर आएगा ब्लू कलर के लोगों के साथ में। ब्लू कलर की थीम ही यहाँ पर जो है वो आपको दी गई है। इसके दो पार्ट किए गए हैं, इंजन बे को एक्सेस करने के लिए एक पार्ट, एंड दूसरा पार्ट जो है वो थ्रू आउट द बॉडी इंजन को कवर करने के लिए। ये वाला पार्ट जरूर थोड़ा प्लास्टिक एंड में रखा गया, बट जो पीछे वाला पार्ट है वो थोड़ा हार्ड मटेरियल में यहाँ पर ऑफर होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे हेडलाइट यूनिट है, दोनों साइड ही अपनी अपनी इंडिविजुअल हेडलाइट यूनिट है, और ये ग्रिल का पार्ट, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स किए गए हैं ताकि हीट जो है वो कन्वेक्ट की जा सके, यहाँ से एयर फ्लो हो और वो हीट कन्वेक्ट करके पीछे से ठंडा करता हुआ जाए। यही रीज़न है कि यहाँ पे जाली लगाई गई है। इधर भी आपको जालीदार मटेरियल ही नज़र आने वाला है। अब थोड़ा सा पीछे चलोगे ना तो यहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि यहाँ पे जो है वो एक हाइड्रोलिक यूनिट रखी गई है, ताकि ईजिली असिस्ट कर सको आप। स्टेयरिंग असिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, और हाइड्रोलिक होने की वजह से आपका जो वर्क है, जो काम है, जो क्षमता जो लगती है जब आप स्टीयर करते हो, वो थोड़ा सा रिड्यूस होगा। जनरली आप देखते भी हैं हाइड्रोलिक प्लस पावर स्टीयरिंग जो है वो यहाँ पे आता है, तो इसमें पावर्ड हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ये जो टायर्स हैं ये फ्रंट एक्सल से ऑब्वियसली लगे हुए हैं, 6 नट्स इनके अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं। 7.516 एस्पेक्ट में ये जो है वो आपको टायर्स देखने को नजर आएंगे। गुडियर के टायर्स हैं, अच्छे खासे बड़े हैं टायर्स, और इनके ऊपर काफ़ी बड़े बड़े जो है वो ग्रूव्स यहाँ पे दिए हैं, ट्रेड्स मैं कहूँगा, जनरली ट्रेड्स कहा जाता है। ट्रेड्स जो है बहुत बड़े बड़े हैं, तो ये ओवर द ईयर्स मुझे तो नहीं लगता कि जाने वाले हैं, हो सकता है 10 से 15 साल का टाइम भी जो है वो इनको कम पड़े वियर आउट होने में। एनीवे, यहाँ से अगर आप देखेंगे न्यू हॉलैंड की बैजिंग 3600 जो कि मॉडल का नाम है, एंड हेरिटेज एडिशन यहाँ दी जाएगी। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये एयर फिल्टर आपको नजर आएगा जो कि ऑयल कंट्रोल्ड है, जिससे कि पहले वाले हमने सिम्बा 20 में भी देखा था, और ये जो है वो बड़ा एग्जॉस्ट आपको यहाँ पे देखने को नजर आ रहा है जो कि अपवर्ड्स ट्रेवल करता है। जनरली जो है वो इस तरीके के ट्रैक्टर्स को ऊपर की तरफ साइलेंसर्स दिए जाते हैं या एग्जॉस्ट दिए जाते हैं, ताकि जब भी आप ऑफ रोड करो तो इनके अंदर मिट्टी जाना या मड जाना या पानी जाने की प्रोबेबिलिटी कम से कम हो जाए, क्योंकि ये डैमेज हुआ तो ऑब्वियसली इंजन को जो है वो जनरली आप डैमेज होते हुए देखोगे। तो ये 3.4 मीटर्स लॉन्ग है, 1.7 मीटर्स के करीब जो है वो ये इसकी विड्थ है, एंड 2.4 मीटर इसकी हाइट है। हालांकि जो व्हील बेस है वो 1955 मिलीमीटर का ऑफर किया गया है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जान के आप शॉक्ड हो जाएंगे, 425 मिलीमीटर की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, जबकि ट्रेड 1410 फ्रंट का, जबकि 1330 रियर का यहां ऑफर किया गया है। दोस्तों, इस ट्रैक्टर की जो स्पीड लिमिट है वो 31 किलोमीटर पर आर की है, और अगर आप रियर में चला रहे हैं तो 40 किलोमीटर पर आर की है। 46 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। चलिए इसके इंजन के बारे में जरा जानते हैं। दोस्तों, इसमें इस्तेमाल हुआ है एक 2.9 लीटर का इंजन जो 47 bhp प्रोड्यूस करता है। थ्री सिलेंडर ये जो इंजन है वो 30 सीरीज हेरिटेज स्टाइल इंजन है। इसका एयर क्लियर टाइप भी वेट टाइप ही रखा गया है, और इसमें जो ट्रांसमिशन ऑफर किया गया है वो हालांकि 4
स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में तो आता ही है, लेकिन उसमें 2-2 टाइप दिए गए, यानी कि लो एंड हाई। इन टोटल आपको लीनियर मोशन देना है, तो 8 यहाँ पर गियर ऑप्शंस हैं और 2 आपको रियर में गियर ऑप्शन मिलते हैं। दोस्तों ये जो टायर है ये देखिए कितना बड़ा टायर है, अगर आप देखें तो तकरीबन 4 फीट के करीब जो है वो आता है, ये देखिए मेरे यहाँ पे आता है 4 फीट से ज्यादा ही है, ये काफी बड़ा टायर है गुडियर का। ये जो टायर है 14.9 by 28 inches है ये, और यहाँ से अगर आप देखें तो मेटालिक सपोर्ट भी जो है वो सीट्स को दिया गया है, टर्न इंडिकेटर दी गई है, छोटी सी क्लियर लैंप भी आपको ऑफर की गई है, और यहाँ नजर दौड़ाएंगे तो यहाँ पे आपको एक टूल किट भी ऑफर किया गया है, तो यहाँ पर आप अपना टूल किट में सामान रख सकते हैं। ये जो है वो रियर व्यू आपको मिरर ऑफर किया गया है, मैं चाहूँ तो इंग्रेस कर सकता हूँ आपके पास में, हालांकि इस तरफ कोई स्टेपर नहीं दिया गया, इस तरफ जरूर आपको एक स्टेपर दिया गया ताकि आप इंग्रेस कर सकें। अच्छा मजे की बात ये है कि जो सीट्स हैं इसके अंदर आपको कॉइल स्प्रिंग नज़र आएंगे, जिसकी वजह से ये इजीली जो है वो मूव कर पा रहा है, तो फिर जब भी आप किसी ऐसे ऑफ रोड ट्रैक पे जा रहे हैं या खड्डेदार सड़कों पे जा रहे हैं तो ज़्यादा कम्फर्ट आपको प्रोवाइड करेगा कंपेरेटिव टू यहाँ पर बैठना। तो ये जो स्टेयरिंग आप फिलहाल मेरे हाथ में देख रहे हैं पावर स्टेयरिंग है, और यहाँ पे डैशबोर्ड के काफ़ी सारे सिंबल्स ऑफर किए गए हैं, आरपीएम मीटर दिया गया है और कितने घंटे चल चुका है उसकी रीडिंग आपको जो है वो डिजिटली देखने को नज़र आती है, टैकोमीटर हो गया, फ्यूल गॉज हो गया एंड टेम्परेचर गॉज भी यहीं पर ऑफर किया गया है, हेजार्ड लैम्प इधर दिया गया है, साथ ही ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं थ्रॉटल रिस्पॉन्स का आपको लीवर देखने को नज़र आएगा, एक हॉर्न का बटन, यहाँ पर जो है वो पुल टू स्टॉप का स्विच या लीवर मैं इसको कहूँगा दिया गया है, लो बीम एंड हाई बीम के लिए आपके पास में इधर कंट्रोल्स दिए गए हैं, एंड अगेन आप टॉप अप करना चाहते हैं फ्यूल तो यहाँ पर से आप टॉप अप कर सकते हैं। दोस्तों अब ज़रा बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन की, तो ये 4 स्पीड ट्रांसमिशन यहाँ पर मिलता है, एक रियर में आपको जो ट्रांसमिशन ऑफर किया गया है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो 2 लीवर और दिए गए हैं, ग्रीन कलर का एक येलो कलर का, तो जो येलो कलर का है उसका ड्राफ्टिंग में इस्तेमाल होता है, तो आप इसके थ्रू ड्राफ्ट को ऊपर और नीचे लोअर लिंक को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो ग्रीन कलर का ऑप्शन है ये एक्चुअली ऑक्सिलरी वाल्व का ऑप्शन है, और यहाँ से आप लेजर लेवलर जैसे इक्विपमेंट्स को कंट्रोल कर पाएंगे। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और पीछे से मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या यहाँ पर ऑप्शंस हैं। दोस्तों जिन ऑक्सिलरी वॉल्स का मैं बात कर रहा था वो ये ग्रीन कलर का ऑक्सिलरी वॉल्स हैं, यहाँ से आप लेजर लेवलर्स को जो है वो लगा सकते हैं, इक्विपमेंट्स को जो है वो यहाँ से लगा सकते हैं। इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्विचबोर्ड टाइप दिया गया है ताकि आप अपनी कुछ इक्विपमेंट्स जो कि एक्चुअली 5 एम्पीयर तक बिजली कंज्यूम करते हैं वो यहाँ पर लगा सकते हैं। ये है पीटीओ के लिए और ये पीटीओ आप कंट्रोल कर सकते हैं इस वाले वॉल से, जो येलो कलर का वॉल दिया गया है। इसमें डुअल क्लच ऑप्शन दिया गया है जो जनरली ट्रैक्टर्स नहीं ऑफर करते हैं, अब आने लगे हैं, पहले जो है वो न्यू हॉलैंड वाज द फर्स्ट वन जिसने पीटीओ के लिए एक अलग से डुअल क्लच ऑप्शन यहाँ पे दिया था, तो आप डुअल क्लच आगे से ऑपरेट करके पीटीओ को लेवल अप कर सकते हैं। यहाँ पर भी जैसे कि मैंने आपको बताया था लोअर लिंक ये है, ये अपर लिंक आपको ऑफर की गई है, तो इन दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो हालांकि इसका जो है वो मोशन ऊपर और नीचे ही जनरली रहता है, बट ये पावर कंट्रोल्ड नहीं है, यानी कि आप मशीन से इसको कंट्रोल, ये फ्री टू मूव है, तो इसका बस काम ये है कि एक सपोर्ट बना के रखे, एक्स्ट्रा सपोर्ट या हिंज बना के रखे ताकि कोई भी कल्टीवेटर या रोटर मीटर जो है वो डिसअसेंबल ना हो, वो अपनी डायरेक्शन लूज ना करे। हालांकि यहाँ से जो है वो हाइड्रोलिक्स को कंट्रोल करके इस ड्राफ्ट को भी कंट्रोल कर सकते हो इजिली थ्रू दोज स्विचेस जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहाँ अगर आप देखें तो इंटर्न इंडिकेटर एंड ब्रेक लाइट्स आपको ऑफर किया गया है रिवर्स में, एंड रियर में जो है वो बड़ी सी लाइट दी गई है, अगर आप रात में काम कर रहे हैं और आपको चाहिए पीछे भी लाइट तो दिस वन इज फॉर दैट ओनली, तो ये भी काफी कमाल की चीज़ है। गाइज इस वाले पोर्शन से आप एक स्टेपर देखोगे जिसके थ्रू आप इंग्रेस कर सकते हो ट्रैक्टर की सीटिंग पोजीशन तक पहुंचने के लिए। इधर भी आपको 2 लेवर दिखाई दे रहे होंगे, एक ऑरेंज एंड एक येलो, ये येलो का काम यही है जैसे कि मैंने आपको बताया था डुअल क्लच के लिए, और ये पीटीओ तक ट्रांसफर करने के लिए ये आपको क्लच ऑफर किया गया है। अगेन ये ऑरेंज वाला जो क्लच देख रहे हो ये एक्चुअली हाई एंड लो लोड के लिए है, यानी कि अगर आप लो पे चलाने चाहते हैं, यानी कि कहीं पर आपका ट्रैक्टर जो है वो धस गया है या फिर अनस्टेबल है या पावर डिलीवरी जो है वो नहीं इस तरीके से हो पा रही है कि वो उस पोजीशन से निकल सके या उस पार्ट से निकल सके, तो ये यहाँ पर आप इसको लो पोर्शन पे डालिए एंड टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे बढ़ेगा, जिसकी वजह से ट्रैक्टर अपने फुल थ्रॉटल में आएगा और ट्रैक्टर की क्षमता बढ़ने की वजह से आगे आप निकल पाएंगे। हालांकि इस तरफ आप देखेंगे तो छोटा सा लीवर दिया गया है जो कि पार्किंग ब्रेक या हैंड ब्रेक आप उनको कह सकते हो, वहाँ पर ऑफर किया गया है।
इसके इंजन बे को एक्सेस करने के लिए चार अलग अलग स्विचेस या नॉब्स मैं कहूंगा यहाँ पर ऑफर किए हैं, दो इस तरफ, ताकि आप इंजन बे को जांच सकें, चेक कर सकें, कुछ लगे आपको कि यार गड़बड़ है तो आप इन लिवर्स को अनहुक करके मूव कर सकते हैं इसके इंजन बे को। गाइज मेरे डिस्ट्रिक्ट में इस ट्रैक्टर की प्राइसिंग जो ऑन रोड है वो 7,72,000 के करीब है, और ये टोटली डिपेंड कर सकता है आप कौन से स्टेट में रह रहे हो, कहाँ पर कैसे टैक्सेस लग रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। मेरे स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश गाजियाबाद जिले में ये 7,72,000 रुपए कॉस्ट कर रहा है। सो दोस्तों ये तो था न्यू हॉलैंड 3600 हमारे साथ में 47 BHP ये प्रोड्यूस करता है, और 50 BHP तक आने वाले जितने भी ट्रैक्टर्स हैं उनसे आप इसको कम्पीट करते हुए देखोगे, जिनमें से आप महिंद्रा 475, 550, अर्जुन जैसे या जॉन डियर 5050 जैसे प्रोडक्ट या पावर ट्रैक के 50 जैसे ट्रैक्टर्स को कम्पीट होते हुए देखोगे। सो यस दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई जस्ट होप कि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब किए करेंगे अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। हमें लेंगे दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ में, अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार बाइक व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।